तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी 10 दिन में। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पहला तरीका क्या है। जब आप लोग ट्रैवल करते हैं कहीं पर भी, या आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको मल्टीपल्स टाइप के लोग मिल जाते हैं। कोई मोबाइल चला रहा होता है, कोई गेम खेलता होता है। तो आपको जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं आपको। मैं बस में जा रहा था, ठीक है, मैं मेरठ गया था, मेरठ से मैं कल ही आया हूं। तो वहां पर जब मैंने बैठा, टिकट वगैरह लिया, तो मैंने देखा हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन था भाई, ठीक है। जो हमारी जो लाइन थी उसमें तो पूरी लाइन में 7-8 लोगों की जो लाइन होती है, 6 लोगों की, सबके सब हर किसी के हाथ में मोबाइल था भाई। भाई मैंने क्या किया, मैंने 1-to-1 थोड़ा उनसे बात की, हाय हेलो, कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, मतलब कहाँ से आए हो, वो सब बात करके फिर मैंने उनको अपने बारे में बताया कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ। तो फिर मैंने अपना चैनल उनसे सर्च कराया कि भाई आप मेरा चैनल सर्च करो और प्लीज को सब्सक्राइब करो। जब मैंने अपना चैनल को सर्च कराया तो भाई फिर मैंने सभी लोगों से सब्सक्राइब करा दिया। मतलब कम से कम मेरठ गया, फिर मेरठ से आया, मतलब एक दो बस मेरे को चेंज करनी पड़ी, तो कम से कम मैंने 20 से 30 लोगों से वहां पे सब्सक्राइब करा देता भाई अपने चैनल्स को, ठीक है। इस तरह से आप भी कर सकते हो। अगर आप ट्रैवल कर सकते हो, मल्टीपल जगह पर आपका डेली आना जाना है, और आपको जो लोग मिलते हैं, कुछ लोग मोबाइल चलाते होते हैं, कुछ लोग बात करते होते हैं, तो भाई आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। भाई स्टार्टिंग में ऐसे ही करना पड़ता है दोस्त अपने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उनसे उनसे नॉर्मली बात करनी है, हाय हेलो, आप कहां जा रहे हो, कहां से आए हो, क्या करते हो, और थोड़ी सी जैसा अभी यूपी के अंदर जैसा चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव पे भी आप बात कर सकते हो उनसे। मतलब मैं नहीं है कि एक मतलब 1-to-1 हो जाए इजिली से बात करें, एक फ्लो बन जाए बात करने का। तो जैसा आप फ्लो बन जाएगा बात करने का, तो आप उनसे कह सकते हो कि भाई मैं भी यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ। फिर आप बोलो, फिर कुछ लोगों के अंदर होती है भाई बताना अपना चैनल का नाम बताना, तो वो अपना चैनल का नाम बताते हैं, तो वहीं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो भाई बेस्ट तरीका है अगर आपको जल्द से जल्दी अपने सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। दूसरा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं कुतुब मीनार गया था अभी से कुछ टाइम पहले, और वहाँ पर मैं मल्टीपल्स लोगों से मिला। कुछ लोगों से भाई मेरी एक फ़ोटो क्लिक कर देना, और कुछ लोगों से भाई 1-to-1 बात कर ली। मतलब जब हम बात कर लेते हैं तो एक फ्लो बन जाता है बात करने का, तो पूछ ही लेते हैं भाई कहाँ से आए घूमने, आप फर्स्ट टाइम घूमने आए हो क्या, या पहले भी आ चुके हो, तो आपको यहाँ पर आके कैसा लगा कुतुब मीनार में, या किसी भी मोन्यूमेंट पे, चाहे कुतुब मीनार हो, लाल किला हो, या इंडिया गेट हो, आप वहाँ पर नए नए यूनिक लोगों से मिल सकते हो, और आप वहाँ से उसके बारे में पूछ सकते हो कि भाई आप कब आए थे, आपको कैसा लगा इंडिया गेट, या कैसा लगा आपको लाल किला, या लोटस टेम्पल। आप जो भी जहाँ पर भी आप किसी भी मोन्यूमेंट पर जाओगे तो आप पूछ सकते हो इजिली से। फिर आप उसके बारे में पूछ सकते हो, भाई आप क्या करते हो, जॉब करते हो या फिर पढ़ाई करते हो। फिर वो जाहिर सी बात है जब आप किसी के बारे में पूछोगे तो भाई फिर वो आपसे भी पूछेगा भाई आप क्या करते हो। तो फिर आप यहाँ पर बोल सकते हो भाई मैं तो यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ। फिर यूट्यूब चैनल का अपना नाम बताओ, और जैसा वो सर्च करेगा तो आप उसको सब्सक्राइब करा सकते हो, या खुद भी सब्सक्राइब कर लेता है। मतलब इस तरह से अगर हार्डली मैं आपको बता रहा हूँ आपने 8 से 10 दिन मेहनत कर ली ना, आपके 1000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट होने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। क्योंकि भाई ये मैंने प्रैक्टिकली किया है भाई, मैंने इस तरीके से मतलब 2 दिन के अंदर अंदर मतलब 250-300 सब्सक्राइबर्स ले लिए भाई अपने चैनल्स पर। यार पढ़ा ना स्टार्टिंग में भाई, लोग कहते हैं कि भाई हमारी टारगेट ऑडियंस, हमें अपनी टारगेट ऑडियंस बनानी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में भाई 1000 के लिए कोई टारगेट ऑडियंस नहीं होनी चाहिए। जहां से सब्सक्राइबर्स मिले, चाहे किसी को शेयर करके, किसी को बता के, जहां से आपको सब्सक्राइबर्स मिले भाई ले लो यार, ठीक है। क्या पता किसके माइंड में कब आ जाए कि चलो हम भी एक यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, भाई ने हमें बताया था कि यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, तो चलो उसी से आइडिया ले लेते हैं। तो आपकी वीडियो से लोग देखना शुरू कर देंगे, आपकी वीडियो से लोग सीखना शुरू कर देंगे। और दोस्तों इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और फेसबुक पे भी बहुत सारे इस तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं, जहां पर 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 घंटे वॉच टाइम के इस तरह के ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। वहां पर अगर आप अपनी वीडियोज का लिंक शेयर करोगे, हो सकता है आपके पास वहां पर भी 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में जब एक स्टार्टअप होता है किसी का, तो मन में यही रहता है कि भाई किसी तरह से चैनल मोनेटाइज हो जाए, भाई 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए, 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। तो भाई आप वहां से भी कर सकते हो। और बहुत लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं अपने व्हाट्सएप के, जो अपना लिंक शेयर करते हैं। मेरे पास भी कुछ इस तरह के ग्रुप्स हैं। अगर आप मुझे कमेंट्स में बोलोगे कि भाई हमें उस ग्रुप में ऐड कर दो, तो भाई मैं आपको ऐड कर दूंगा। अगर आपने कमेंट्स करी तो मैं उस ग्रुप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप कमेंट्स करोगे तो। नहीं तो भाई इस तरह के बहुत सारे फेसबुक पेजेस बने हुए हैं जहां पे आप अपने सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो वहां पर आप सिंपली अपना चैनल का लिंक डालोगे, और लिंक डालने के बाद जब वो लोगों में फॉरवर्ड करेंगे तो भाई आपके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने जो आपकी जिस जितने भी आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट्स हैं, आपको सबको एक लिस्ट बना लेनी है,
आप सबके पास लिंक शेयर करो और वहां पर एक रिक्वेस्ट का मैसेज सेंड करो कि भाई ये मेरा चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, तो आपको वहां से भी जेन्युइन सब्सक्राइबर्स मिल सकते हैं। दोस्तों ये बहुत सारे आइडियाज मैंने आपको शेयर कर दिए आज की वीडियो में, तो आप इस तरह से अपने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर सकते हो विद इन 10 डेज, और 10 डेज से पहले भी अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, ठीक है। वैसे तो आपके पास व्यूज आ ही रहे हैं, यूनिक व्यूज आपके पास आई होप आ रहे होंगे। आप है ना अपने एनालिटिक्स चेक किया करो, और दूसरे तीसरे दिन जो आप वीडियो बना रहे हो उस पर रिटर्न व्यूज आ रहे हैं या यूनिक व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर यूनिक व्यूज आ रहे हैं या रिटर्न व्यूज आ रहे हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं आपकी जो वीडियो की जो क्वालिटी है उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपका जो कंटेंट है आपको इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या थंबनेल में मिस्टेक कर रहा हूँ, जो लोग व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन रिटर्न व्यूज़ नहीं आ रहे या यूनिक व्यूज़ नहीं आ रहे। आपको देखना पड़ेगा कि मैं अपने थंबनेल्स में ऐसा क्या कर रहा हूँ। आपको फिर उसी हिसाब से आपको बड़े यूट्यूबर्स को फॉलो करना पड़ेगा, उनको देखो आप जा करके वो क्या लिखते हैं अपनी अपने थंबनेल्स में या अपने टाइटल में, वो क्या लिखते हैं, वो सब वो टैग्स कैसे लगाते हैं, क्योंकि भाई हर चीज़ दिख जाती है। आप VidIQ से देख सकते हैं या ट्यूब बड़ी से आप देख सकते हैं कि किसने क्या टैग्स लगाया हुआ है अपनी वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह के टैग्स वो अपनी वीडियोस के अंदर लगाते हैं या क्या टाइटल लिखते हैं वो, क्या थंबनेल्स में लिखते हैं, तो आप वहां से भी आइडियाज ले सकते हैं अपने चैनल को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए और अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताया मैंने और आपको भी करना चाहिए जितना भी मैंने बताया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।